नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं हरिकेश कुमार तिवारी। आज आमने सामने के टक्कर में मैं पहुंचा हूं जिला निबंधन कार्यालय पश्चिम चंपारण। यहां पे मेरी मुलाकात होगी जिला निबंधन कार्यालय के प्रबंधक शैलेश कुमार पांडे जी से, और इनसे जानेंगे कि डीआरसीसी यानी कि निबंधन कार्यालय में कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है और कितने लोग लाभान्वित हैं। आइए तो मैं मिलाता हूं डीआरसीसी के प्रबंधक शैलेश कुमार पांडे जी से। नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। ये बताइए सर, आपके यहाँ कौन कौन सी योजना चल रही है निबंधन कार्यालय में? जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र जो है मुख्यमंत्री की भावी योजनाओं में से एक है, जो 7 निश्चय के माध्यम से जो है चलाई जा रही है। यहाँ पे जो है 3 निश्चय चलते हैं। आप एक निश्चय आर्थिक अलिवाओं के बल के माध्यम से 3 निश्चय चलते हैं, उसमें कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलती है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में अब तक कितने बच्चे लाभान्वित हैं? अभी तक हमारे यहाँ जो है लगभग 3,500 बच्चों ने आवेदन दिया है, जिसमें से हम लोगों ने जो है 2,000 बच्चों को जो है अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि हम जो है बिहार अपने जिला में जो है जितने भी बच्चे हैं जो लाभ लेना चाहते हैं, सभी को हम लोग जो है लाभ दें। और दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता में कितने लोग लाभान्वित हैं? अभी तक हमारे यहाँ जो है लगभग जो हम लोग जो है 12,000 बच्चों को जो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के माध्यम से जो है उनको रोजगार ढूंढने के लिए जो है उन्हें प्रत्येक महीने उनके अकाउंट में जो है 1,000 रुपये जो है राशि ट्रांसफर करते हैं। कुशल युवा कार्यक्रम में अभी तक अपने जिला में जो है लगभग जो है 30,000 से ज़्यादा बच्चे जो है इसका लाभ ले चुके हैं, जो प्रशिक्षण जो है 240 घंटे का प्रशिक्षण होता है वो उसका लाभ ले चुके हैं। ये बताइए प्रचार प्रसार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार के लिए जो है जिला पदाधिकारी महोदय के जो है आदेशानुसार हम लोग जो है हर पंचायत में, जो अपने जिला में 315 पंचायत है, सभी पंचायत में हम लोग जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के जो है अध्यक्षता में वहाँ के वार्ड सदस्य मुखिया के माध्यम से जो है हर पंचायत में जो है प्रचार प्रसार स्वयं जाकर के डीआरसीसी के जो है कर्मी जो है वहाँ जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं और सभी को जो है इस स्कीम के बारे में बताते हैं। मुख्यमंत्री का जो योजना, जो 3 योजना निबंधन कार्यालय में चल रहा है, यदि अमूमन कोई बच्चा चाह रहा है उस कराने के लिए उसकी क्या प्रक्रिया है? यदि वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है तो सबसे पहले बच्चे को जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है करना पड़ेगा। उसके बाद से जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स, उनका जो वेरिफिकेशन होता है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे आएंगे और हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद से जो है वो बच्चा जो है एक प्रक्रिया के माध्यम से जो है उनको लाभ मिलता है। अमूमन ये बताइए कौन कौन सी परेशानी आती है डीआरसीसी में? आप यहाँ पे बच्चे जो गांव विलेज से आते हैं उनको क्या क्या परेशानी होती है? बच्चे जब आते हैं तो बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट जो है भूल जाते हैं, जैसे कि निवास जो है वो ओरिजिनल लेकर के नहीं आते हैं, तो इस तरह की परेशानियाँ आती हैं। तो सभी से मैं अनुरोध यही करूँगा कि बच्चे जब भी आए सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले करके आए, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ रखते नहीं हैं, केवल देख करके और उनका वेरिफिकेशन करके उनको फिर रिटर्न कर देते हैं। बात करें, आपने बताया प्रचार प्रसार के, अमूमन अभी तक कितने पंचायत में आपने प्रचार प्रसार किया? हम लोग जो है पश्चिमी चंपारण में 315 पंचायत हैं, 315 पंचायत में हम लोग जो है 2 बार जो है सभी पंचायतों में जो है प्रचार प्रसार कर चुके हैं, और अभी जो है अभी जो करंट में जो है तीसरा भी चल रहा है। ये थे शैलेश कुमार पांडे, निबंधन कार्यालय के प्रबंधक, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। बिहार न्यूज भी इस मुहिम में शामिल है। मैं चाहूँगा इस न्यूज़ को देखने के बाद जो भी बच्चे वंचित हैं जल्दी से इसका लाभ लें। बेतिया से हरिकेश कुमार तिवारी, पश्चिम चंपारण, बिहार।